कम वजन वाले बच्चे या लो बर्थ वेट बेबी का देखते ही देखते बढ़ेगा वजन, इन 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा। कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बच्चा कमजोर सा है, ऐसा कैसे वजन बढ़ेगा, हम इसे कैसे नहलाएं, कैसे दूध पिलाएं। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट 5 टिप्स बता रहा हूं आपको, आप उन पर भरोसा रखें, देखते ही देखते उसका वजन बढ़ेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा। क्योंकि इन बच्चों की भी आगे से सारे सेंस ऑर्गन्स का अच्छा विकास हो, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सारी शक्तियों का विकास हो, ऊपर से बाद में जाके इनको कोई हेल्थ इशू ना हो, जिनका वजन कम है उनको डायबिटीज ना हो जाए, ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो या फिर कोई हार्ट की दिक्कत ना हो। तो उसके लिए कैसे केयर करनी है इनकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को जितना हो सके संभव उसके माँ का दूध दें, ब्रेस्ट फीडिंग दें। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है, अगर बच्चा चूसने के लायक नहीं है, तो उसको निकाल के दूध इसे पैलेडी से पिला दें। ऐसे पैलेडी है जिसे कि बोतल में डाल के ना पिलाएं, बोतल से दूध बिल्कुल ना दें, इसे चों चों करके जैसे दूध पिएगा बच्चा अगर, तो वो सलाइवा से मिलता हुआ जाएगा दूध पेट में बच्चे के, तो वो दूध का डाइजेशन हो जाएगा। अगर हम सीधा बोतल से पिलाएंगे तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, ये ध्यान रखें। नंबर 2 ये ध्यान रखें कि बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे का टेम्परेचर हमें नॉर्मल मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर हम आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन ना करें, अगर सूरज की रोशनी आती रहे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। सूरज की रोशनी में जितना बच्चों को इनडायरेक्ट सनशाइन में रखें, पंखे ना चलाएं, एसी का ज़्यादा यूज़ ना करें। बच्चों को ज़्यादा पैक करके एसी चलाना अच्छी बात नहीं है, बच्चा खुला सा रहे थोड़ा सा, और लेकिन वैसे नॉर्मल नेचुरल हीट मिले उसका ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है। वैसे कुछ लोग इस पॉइंट को नंबर 1 पॉइंट बताते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नंबर 1 पॉइंट हो सकता है। इंडिया में तो लगभग 9 महीने गर्मी रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, बस ये ध्यान रखना है कि हम अदरवाइज पंखे एसी से ठंडक ना दें बच्चे को, टेम्परेचर नॉर्मली जो कूल रहेगा उसका फायदा उठाएं, इससे बड़ा फायदा मिलेगा, बच्चे की मेटाबॉलिज्म अच्छी बनी रहती है। नंबर थ्री है कि बच्चे के जो रूटीन केयर हमें कैसे करनी है, एक तो सूरज की रोशनी उसे मिलती रहे, जैसे कि नकली विटामिन डी ना देनी पड़े हमें, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ना देने पड़े, फिर डेली उसको नहलाना है, डेली उसकी मालिश करनी है। अगर हम डेली मालिश करेंगे बच्चे की तो उसका विटामिन डी का लेवल अच्छा रहेगा। सूरज की रोशनी कितनी देर मिले बच्चे को, सूरज की रोशनी छोटे बच्चों को बड़ी पसंद होती है, जो जिस रोशनी में आम बड़े लोगों को गर्मी लगती है वो रोशनी उतनी रोशनी इनके लिए फायदेमंद होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें, तो जो आइंस्टीन थे उनका वजन 800 ग्राम था जब पैदा हुए, उसमें तो ज़्यादा विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ये भी नहीं थी, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, फिर भी उनकी माँ ने उनकी अच्छी केयर करी और उन्होंने जीनियस बन के दिखाया। तो छोटे कम वजन के बच्चों में जीनियस होने की भी शक्ति छुपी हुई है, उनके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है, उसको उभारना है हमें प्रॉपर केयर से, नेचुरल केयर से। क्योंकि मेरा तो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा जो जगदम्बा बेबी के नाम से हॉस्पिटल और यूट्यूब चैनल है, ऐसी ऐसी लो बर्थ वेट बच्चों की बड़ी सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, तो आप जरूर देखें उनको। पिछले 20 सालों में मैंने 7-8 लाख बच्चे देखे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डरें ना, बिल्कुल डर के केयर ना करें, नेचुरल केयर। घर पर भी ऐसी केयर हो सकती है जो कि बच्चे को डॉक्टर के पास जाने नहीं देगी, बीमार होने नहीं देगी और उसे हेल्दी रखेगी। तो ये रखें, जब नहलाना तो डरे ना बस, यह कि नाक में पानी ना जाए, कान में पानी ना जाए, एक एक अंगों का ध्यान रखें, सिर के ऊपर रखें थोड़ा सा नहलाते इसमें, यह ध्यान रखें, और दूध पिला के डकार भी अच्छी तरह से दिलाएं, तब बच्चे का दूध का पाचन अच्छा होगा, नहीं तो गैस बनती है। फिर नंबर 4 पॉइंट है हाइजीन का ध्यान रखें, जितना हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे तब बच्चा उतना ठीक रहेगा। सफाई का ध्यान रखें, ये कोई फॉर्मेलिटी की चीज़ नहीं है, ये वैसे ही सच्चाई का हमें ध्यान रखना है। जितना पवित्रता से पालेंगे बच्चों को, एक अच्छे सात्विक माहौल में पालेंगे तो अच्छा रहेगा। जब माँ दूध पिलाना हो माँ को, कोई झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगा के छोड़ दी, फिर हमने दूध पिलाना शुरू कर दिया, हमने कोई कपड़े की तय कर रहे थे, कपड़े बाहर डस्टिंग कर रहे थे, उस छोड़ के एकदम दूध पिलाना शुरू कर दिया, उससे फिर बच्चों को दिक्कत हो सकती है। हम सावधानी रखें, जैसे हम हाथ पैर मुंह धो के भोजन करते हैं, इसी तरह से बच्चे का भी हमेशा, आप भी किसी तरह के बैक्टीरिया, डस्ट, सोफा है ऐसे, सोफे के हाथ ऐसे लगा के इसके हाथों पे लगा दिया, गालों पे लगा, ऐसा ना करें। तो सफाई का ध्यान रखें जिससे कि उसे हेल्थ इशू ना रहे। इसी तरह से बच्चे का वैक्सीनेशन भी समय समय पे करवाएं, सारी वैक्सीन होती रहेंगी तो बच्चे का अच्छा विकास रहेगा और उसको अनेक बीमारियों से, काफ़ी सारी बीमारियों से वैक्सीन बचा सकती हैं, उसका भी लाभ उठाएं। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है बच्चे को। पेरेंट का, दोनों का इक्वल रोल है, फादर का भी बड़ा रोल है बच्चे की देखरेख में, बच्चे का वजन बढ़ाने में, तो पूरी फैमिली को सपोर्ट देना होगा। जब माँ नहा रही है तो फादर उसी बच्चे की मालिश कर सकता है, उसको गोदी में ले सकता है, दादा दादी है तो वो हेल्प कर सकते हैं, नाना नानी है तो वो हेल्प कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा बच्चा है 3-4-5 साल का, उसको भी इक्वली इमोशनली उसको अटैच करके रखें, जिससे कि उसको जेलसी फील ना हो कि भाई ये बच्चा आ गया, मेरी तो केयर नहीं कर रहे। तो इससे पूरी फैमिली का अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा सपोर्ट और अच्छा एक पॉजिटिव हार्मोनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ। अगर लगता है कि बच्चा लो बर्थ वेट है और बच्चे का दूध माँ का पूरा मिल नहीं रहा, तो माँ ये शतावरी और अश्वगंधा ले सकती हैं, ये अश्वगंधा और शतावरी, इसे माँ का दूध अच्छा बनेगा। और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड तो ले माँ,
हरी सब्जी, खिचड़ी, दल दूध दलिया, रोटी, दाल, पंजीरी खाए, सांदा पंजीरी माँ 6 महीने भी खा सकती है। इवन सिजेरियन ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी सांदा पंजीरी ले सकती है माँ, लेकिन माँ जंक फूड ना खाए, दूसरी तली भुनी चीज़ें या बाजार की चीज़ें ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब बच्चे को अच्छा दूध मिलेगा। दूसरा, माँ की भी ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ बच्चा तो माँ 1 महीने के बाद योग करना शुरू कर दे, अनुलोम विलोम है, मेडिटेशन है, ये शुरू कर दे। और अगर सिजेरियन के बाद हुआ है तब भी माँ 2 महीने के बाद आप योग कर सकती है, जिससे कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो। इसके साथ ही साथ मैं एक छोटा सा टिप ये भी दे दूं कि जो बच्चे बड़े हैं, जो बच्चा 3-4 साल का बच्चा है, अगर वो लगता है कमजोर है, उसका वजन कम है, तो 3-4 साल के बच्चे का अगर वजन बढ़ाना है तो उसको हरी सब्जियां तो कम कर दें थोड़ी सी, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं और दालें उसको अच्छी तरह से दे सकते हैं, बशर्ते कि हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। अगर फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, बच्चा बाहर नहीं जाएगा और ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाएगा, फिर तो उसको पेट में गैस बन जाएगी। लेकिन सुबह शाम बच्चा बाहर खेल के आएगा और योगा करेगा और साथ में अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेगा तो उसकी भी ग्रोथ होगी। जो बड़े बच्चे हैं उनको भी हम अश्वगंधा शतावरी का पाउडर दे सकते हैं, जो 3-4 साल से बड़े बच्चे हैं, इससे भी उसकी ग्रोथ में वो मेहनत मिलती है, जिससे कि हमें दवाइयाँ ना देनी पड़े ज़्यादा और सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और बच्चे को तकिया लगाना है छोटा सा, तो बड़ा ही पतला तकिया ऐसे लगा सकते हैं कि जिससे कि उसकी गर्दन मुड़े ना। और कपड़े हों बच्चे के तो ऐसे ऐसे कॉटन के, जैसे कि बच्चे को क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहे, सिंथेटिक क्लोथिंग ना हो, और पंखे एसी से जितना बचाव रखेंगे अच्छा रहेगा। ये बड़े बेसिक टिप्स हैं जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। हर बार दूध लाने के बाद डकार दिलानी है बच्चे को, डकार दिलाएंगे तो उसका अच्छा होगा। देखिए मैं डकार दिला के दिखाता हूं आपको, 3 तरीके हैं डकार दिलाने के। एक तरीका है हमने ऐसे कंधे पे लेके डकार दिलाई, ये बहुत कमजोर बच्ची है, अभी इसका 1700-1800 ग्राम वजन है, ये देखिए ऐसे। नंबर 2, सेकंड है कि हम ऐसे 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 घुटने पे ऐसे रख के इस पे ऐसे भी डकार दिला सकते हैं ऐसे। नंबर 3 पॉइंट है डकार दिलाने का, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दूध का अच्छी तरह से पाचन होगा फिर बच्चे को वजन क्यों नहीं बढ़ेगा, फिर तो वेट ग्रोथ होएगी उसकी। ऐसे भी करके ऐसे मेंढक बना दिया हमने तकिए के ऊपर रखे और पेट को सपोर्ट मिल गया। अब ऐसे बच्चा हिलता डुलता रहेगा, अंगड़ाई लेगा, जोर लगाएगा, इससे पाचन अच्छा होगा। बच्चे को खाली चुप ना रहने दें, बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी डिमांड भी अच्छी होगी, दूध भी अच्छा पिएगा, पचाएगा भी अच्छा। ऐसे करके ये 3 तरीके डकार दिलाने के, इससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ इंश्योर होगी। इन सब बातों का ध्यान रखें और देखते ही देखते बच्चे का वजन लगभग 30 ग्राम या 40 ग्राम या 50 ग्राम डेली वजन बढ़ सकता है, उससे बच्चा हेल्दी रहेगा, बड़ा खुश रहेगा। थैंक यू।